हम अब धनबाद में हैं और धनबाद में एक ऐसी जगह हमारा प्रवास है जिसका नाम है लक्सस इन। ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, हल्का स्वीटपन है, थोड़ा सा स्पाइसी है, बेस्ट क्वालिटी के पनीर यूज़ किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब कैलाश खेर जी आए थे तो इसी रूम में वो स्टे किए थे, साथ में आपको ये चेयर मिलेगा जिस पर आप बैठकर काफ़ी अच्छा फील करोगे। तो आप जैसे ही अंदर आते हैं आपको एक आलीशान सा रूम मिल जाता है देखने को, रूम का एम्बियंस भी आप देख सकते हो काफी खूबसूरत है। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, दिस इज राज अरिंसन मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राइट नाउ अभी हम हैं धनबाद के लक्सस इन में और आज हम आए हैं धनबाद के लक्सस इन को एक्सप्लोर करने के लिए। आप यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या कुछ फैसिलिटीज दी जाएंगी, यहाँ पर बहुत कुछ है, रूम्स है, बैंक्वेट हॉल है, साथ में अभी बार ओपन होने वाला है, रूफटॉप भी बन रहा है, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, बहुत कुछ है यहाँ पर जो कि आप आगे एक्सप्लोर कर पाएंगे। लोकेशन की बात करें तो ये धनबाद की कंबाइंड बिल्डिंग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आपको ये लक्सस इन मिल जाता है, लगभग 6 महीने पहले ही ओपन हुआ है ये। और क्या कुछ फैसिलिटीज हम आज डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और दिखाने वाले भी है, तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, इससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए, अगर आपने अभी तक इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारा इंस्टा आईडी यहां पर आ रहा है, उसे भी जाके फॉलो करिए क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ कौन सी वीडियो आने वाली है, तो वहां भी हमें फॉलो करिए, मिस मत करिएगा। और चलिए बिना देरी किए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सर हमारे पास बेसमेंट में आपका पार्किंग एरिया से है, ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है सर, फर्स्ट फ्लोर में बैंक्वेट हॉल, सेकंड फ्लोर में रूम्स, थर्ड फ्लोर में रूम्स सर, और फोर्थ फ्लोर में रूफ टॉप रेस्टोरेंट। तो अभी हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर पर पहले रूम चाहिए के लिए? यस सर। ओके, ये इनका फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर आपको मिलेगा बैंक्वेट एरिया। तो जैसे ही आप बैंक्वेट हॉल में आते हैं आपको बड़ा सा एरिया देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कोई इवेंट या रिसेप्शन पार्टी वगैरह आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस है। कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है यहाँ पर? सर हमारे पास 200 की कैपेसिटीज़ है और हमारा बैंकवेट का पैकेज बना हुआ है सर। प्लेट वाइज चार्जेस वगैरह क्या कुछ होते हैं? चार्जेस से 199 से स्टार्ट है, प्लस 5% GST। अच्छा, प्लस 5% GST। मेरा नाम है मयूर नंदन जी, मैं एक जींस मैन्युफैक्चरर हूँ, फील स्टार जींस का। अच्छा, उसी की फोटो शूट चल रही है यहाँ पर जी? हाँ। तो कैसा आपको मतलब यहाँ का सर्विस लगता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर आने पे ऐसा लगता है कि हम अपने जगह पे ही हैं और अपने लोगों के साथ में ही हैं। जो बाकी धनबाद के जैसे रेस्टोरेंट्स है या फिर जो होटल्स है उससे क्या कुछ अलग यहाँ पर आपको मिलता है? यहाँ के रूम्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ्स अच्छे हैं, फूड का क्वालिटी अच्छा है। तो यहाँ के फूड की क्वालिटी की भी मैंने बहुत सारा तारीफ सुना है बाकी लोगों से भी और भैया भी बता रहे हैं, कहते हैं ना कि मतलब धनबाद में एक स्पेशल आपको यहाँ पर फील होगा जब आप यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बोर्ड रूम है सर, मीटिंग हॉल आप देख सकते हो, इसमें बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं सर, छोटा सा फंक्शन आप 20 से 25 लोगों के लिए कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब सारा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा उस हिसाब का। अभी फिलहाल तो ये मीटिंग हॉल टाइप का है, पूरा अरेंजमेंट किया हुआ, और आप इसमें चाहें तो बर्थडे का भी कुछ ऑर्गेनाइज करवाना चाहें तो यहाँ पर हो सकता है, तो काफ़ी अच्छा है ये भी स्पेस। तो ये जो रूम देख रहे हैं आप, ये इनका स्वीट कैटेगरी का रूम है और जब कैलाश खेर जी आए थे तो इसी रूम में वो स्टे किए थे। आपको मैं इस रूम का पूरा डिटेल अब इनसे पूछ कर बताता हूँ कि क्या कुछ फैसिलिटीज है इस रूम की, हमें बताइए डिटेल में। सर हमारे पास बॉटल्स वाटर, वाटर ग्लास, कॉफी मग, टी कॉफी, ऐसे ये सब आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री इस रूम को लेते हैं तो आपको मिलेगा। प्राइवेट लॉकर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ का रूम का एम्बियंस भी आप देख सकते हो काफी खूबसूरत है, सारा कुछ एकदम आपको मिलेगा, साथ में आपको ये एक चेयर मिलेगा जिस पर आप बैठकर काफ़ी अच्छा फील करोगे, और एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है आपको जब आप इस रूम को लेते हो, तो आप देख सकते हो कि ये रोड साइड का एरिया आपको दिख जाएगा, जो कंबाइंड बिल्डिंग से SSL NT के साइड रोड जा रही है वो वाला एरिया इस विंडो से आपको दिखता है। काफ़ी अच्छा सा मिरर भी आपको मिलेगा, मिरर में आपको मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर। आपके कोई गेस्ट अगर प्राइवेटली मिलने आते हैं साइड में सोफा सेट है। अच्छा, यहाँ पर भी बैठकर आपको
काफ़ी अच्छा फील होगा। साथ में लाइटिंग है, सब कुछ है यहाँ पर। और एक मिनी फ्रिज का भी ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए एक मिनी फ्रिज भी मिल जाता है। आपको फ्रिज की ज़रूरत है तो एक मिनी फ्रिज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो वॉशरूम में क्या कुछ है एक बार हम लोग एंटर कर जाते हैं, क्योंकि ये स्विमिंग पूल में काफ़ी साफ सफाई सब कुछ मेंटेन होता है। ओके, और बात इसलिए सर बात तब स्विमिंग के तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर बात तब आपको मिल जाता है एक बड़ा सा, आप ले सकते हो, उसमें गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आइए हम देखते हैं अब इनके प्रीमियम रूम्स को। प्रीमियम के भी दो कैटेगरी होते हैं ना, एक सेपरेट बेड एक जॉइंट बेड। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दो बेड अलग अलग जो होता है बेड आपको मिल जाएंगे। बेड काफी अच्छा है, दो अलग अलग बेड है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर भी आपको टी केटल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। क्या कुछ कम यहाँ पर होगा स्वीट वाले से? अच्छा, स्वीट वाले से आपका लग्जरियस में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, स्मॉल साइज आपका मिलेगा। और क्या कुछ है यहाँ पर? प्रीमियम रूम में भी सर प्राइवेट डीजी लॉकर है, और कुछ काम अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर बैठ कर आराम से इस चेयर पे कहीं यहाँ पर अपना लैपटॉप रखे अपना ऑफिशियल वर्क भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इनके सेकंड फ्लोर में। प्रीमियम में दो कैटेगरी मैंने आपको बताया, तो प्रीमियम के दूसरे कैटेगरी को अब हम यहाँ पर चलकर देखेंगे। ये हमारा प्रीमियम कैटेगरी का सेकंड पार्ट है। अच्छा, जॉइंट बेड है। यहाँ पर आपको जॉइंट बेड दिख रहा है, आपका वॉशरूम थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। यहाँ पर आपको सोफा सेट मिल जाएगा सारा कुछ टेबल के साथ, मिनी बार भी अवेलेबल है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है सारा कुछ। ये भी रूम काफ़ी अच्छा है, बेड काफ़ी अच्छे हैं। तो अब हम थर्ड कैटेगरी का रूम देखेंगे जो है डीलक्स। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको एक बेड दिख जाता है। तो ये बेसिक सा रूम आपको दिखेगा डीलक्स। कबर्ड यहाँ पर भी आपको एक लॉकर मिल जाएगा कबर्ड के अंदर का। वॉशरूम नॉर्मल सा है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ का छोटा है, बाकी आपको जितनी फैसिलिटीज हर रूम में मिल रही है सारा कुछ आपको इस रूम में भी मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं रूम्स में क्या कुछ प्राइस वगैरह पड़ेंगे, सब कुछ आपको अब हम चार्ट के हिसाब से आपको बता देते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। डीलक्स हमारा नॉर्मल रूम से है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। ऑन अराइवल में आप वेलकम ड्रिंक दे रहे हैं हम अभी। साथ में जो हमारे रूम एमिनिटीज हैं, टॉवल्स हो गए हैं, टी कॉफी का सेसे वगैरह है, बाथरूम एमिनिटीज देते हैं। प्रीमियम रूम की बात करें तो प्रीमियम रूम्स में हम मिनी बार देते हैं, सेकंड ऑप्शन हो जाता है। और स्वीट रूम में हमारा मिनी बार के साथ साथ स्पेसियस रूम होता है जो कि एक लग्जरी को बिलोंग करता है। बाथटब हमारा इंक्लूड होता है। सारा रूम्स जो हमारा है वो इटालियन फर्निश से फिक्स है। तो ये हमारे रूम्स के कैटेगरीज हो गए। अभी इनकम्प्लीट की बात करें तो हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो हमारा रूफ टॉप है, साथ ही साथ हमारा बार अपकमिंग है। देखिए चार्जेस अगर डीलक्स की बात करें तो ये 3699 प्लस 12% जीएसटी है। आपका प्रीमियम की बात करें तो 4100 प्लस 12% जीएसटी, और स्वीट की बात करें तो 6000 प्लस जीएसटी है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया। तो अभी हम आ गए हैं लक्सन के चारकोल रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं हम सर से जानते हैं। जैसे कि अगर आप ऑन अराइवल होते हैं तो लोग हैं उसी हिसाब से आपको हम टेबल एलोकेट करते हैं। मेन्यू जो आपका होता है स्पेशलाइजेशन वो हम पहले गेस्ट के सामने वो प्रमोट करते हैं कि सर हमारे पास तंदूर से हमारे पास लेग कबाब हो गया, चिकन टिक्का हो गया, अफगानी हो गया, तो सेम लाइक इंडियन से हो गया, चाइनीज से हो गया। वेज में क्या कुछ है? वेज में देखिए हमारा कबाब प्लेटर अच्छा है, फेमस है। मैंने सुना है कॉन्टिनेंटल से भी बहुत अच्छा है, लज़ानिया यहाँ का अच्छा है, वो भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ का। नॉन वेज की बात करें तो ग्रिल चिकन आप देख सकते हैं। बुकिंग की बात करें तो अगर किसी की बर्थडे बुकिंग करना हो तो उनके लिए हम टेबल ज्वाइंट कर उनको टेबल अलोकेट कर देते हैं। अच्छा, डेकोरेशन से रिलेटेड अगर उनको कुछ क्वारी है। अच्छा, देख सकते हैं ये टेबल, इस टेबल पे इस वॉल पे हम उनको डेकोरेशन बलून का डेकोरेट करके देते हैं। यहाँ का जो स्पेशल है वो पनीर लबाबदार अच्छा है यहाँ का, दाल मखनी यहाँ की फैसिलिटी में है। सब्जी मिलोनी की बात करें जो हमारा अच्छा है यहाँ, वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो लोगों को यही बोलूंगा कि आप आकर ये भी वेजिटेबल्स रिलेटेड जो भी हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप हमें क्या रिकमेंड करेंगे, हम क्या ट्राई कर सकते हैं? अब देखिए ट्राई करने के तो बहुत ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब वो तो आप है। कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, तो हम अपने तरफ से वेल एंड गुड देंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कितने हमें मार्क्स देते हैं। ओके तो वीडियो में बने रहिए और हम चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का वेज में कुछ स्पेशल सा लक्सेस इनका। आइए फाइनली हमारा फूड आ चुका है।
मुझे यहाँ का जो प्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। और काफी ज्यादा हाइजीन मेंटेन किया जाता है यहाँ पर, जैसा कि मुझे दिख रहा है। ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। थोड़ा ट्राई करते हैं, हम फर्स्ट बाइट लेते हैं। तो ये हमारा पनीर हवा और हमारा प्याज, ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। पनीर लबाबदम हल्का स्वीटपन है, थोड़ा सा स्पाइसी है। बेस्ट क्वालिटी के पनीर यूज़ किए गए हैं, जो बटर नान के साथ टेस्ट आ रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक बाइट और लेते हैं। राइटिंग की अगर बात करें, जेन्युइन रिव्यू कर रहा हूँ, 10 में से 9 मैं दूंगा पनीर लबाबदम को। और ये जो बटर नान है नॉर्मली जैसा होता है वैसे ही है, काफ़ी अच्छा लगा दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आप तो जब भी आएँ लस्सी सर में तो यहाँ का पनीर लबाबदम जरूर आएंगे। तो यहाँ के मेन्यू में बहुत कुछ है, वेज मेन्यू में आप अगर देखेंगे तो पनीर लबाबदम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है यहाँ पर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद भी आ रहा है। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर आपको फाइनल रिव्यू देते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। फाइनली हमने ट्राई किया यहाँ का पनीर लबाबदम, जो कि लस्सी सेन का एक स्पेशल डिश है। साथ में यहाँ का सर्विंग काफ़ी अच्छा है, आपको मिलेगा। फूड को प्रेजेंट करने का तरीका काफ़ी अच्छा है, साथ में यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छा आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगा, काफ़ी इंप्रेसिव लगा। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि एक बार भी ओपन होने वाला है, साथ में एक रूफ टॉप भी बन रहा है क्योंकि वो जल्द ही कम्प्लीट होने वाला है, तो उसका भी आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। बस यही था आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आने वाली सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारा इंस्टा आईडी यहां पर आ रहा है, उसे भी जाकर आप फॉलो करिए। वहां पर रेगुलर अपडेट देता हूं मैं कि क्या कुछ आने वाला है, तो आप वहां भी जाकर हमें फॉलो करिएगा। बस यही था आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।